गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर का तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, जो है थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने दो टाइप पढ़े हैं। पहला था जनरल वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा कौन सा पढ़े हम लोगों ने, ट्रांजिस्टराइज रेगुलेटर। ठीक है, तो अभी आज हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं, थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। अब जैसे बताया था तुम लोगों को कि कंपोनेंट के हिसाब से उस वोल्टेज रेगुलेटर का नाम होता है। जैसे जिनर यूज़ किया तो जिनर वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर यूज़ किया तो ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम यहाँ पे आईसी यूज़ करने वाले हैं। आईसी तुम लोगों को पता है कि आईसी को अलग अलग नंबर ऑफ पिन्स होते हैं, तो यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर में हम लोग तीन पिन की आईसी यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए इस वोल्टेज रेगुलेटर को नाम दिया है थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। बराबर है। अब ये आईसी देखो, यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है कैसे रहती है। हम लोगों ने लैब में इस आईसी को देखा हुआ है, इसको तीन पिन रहते हैं, एक पिन इनपुट के लिए, दूसरी पिन आउटपुट के लिए और एक पिन होती है ग्राउंड के लिए। बराबर है। तो यहाँ जो है, इस टॉपिक में हमको सबसे पहले ये जो आईसी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इस आईसी का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम पढ़ने वाले हैं। इसको फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक आईसी में, कौन सी आईसी, थ्री टर्मिनल आईसी में इतने पार्ट्स होते हैं। एक होता है पास ट्रांजिस्टर, मतलब सीरीज पास ट्रांजिस्टर, उसके बाद थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग, उसके बाद एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट होती है। बराबर है। बहुत पहले ये जो है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए आठ पिन की आईसी यूज़ करते थे, लेकिन वो पिन आईसी जो थी वो लगाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते थे, क्योंकि आईसी का कोई भी जो होता है पिन, हम लोग ऐसे फ्री नहीं छोड़ सकते, उसको कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्शन ज़्यादा हो जाते थे, कनेक्शन बढ़ जाते थे और सर्किट में कॉम्प्लिकेशन आता था, इसीलिए फिर वो जो है आठ पिन के आईसी को निकाल के फिर नया मॉडिफिकेशन किया गया और एक तीन पिन की आईसी को बनाया गया है। एक्चुअली वो पी का तीन ही पिन का काम होता है, क्योंकि एक इनपुट को लगाने के लिए, इनपुट कहाँ से, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई को लगाने के लिए, एक को ग्राउंड करने के लिए और एक पिन लगती है आउटपुट के लिए। तो बाकी जो पिन्स है उसका काम नहीं था, इसलिए उनको काम किया गया और तीन ही पिन की आईसी तैयार की गई है और फिर उस आईसी को नाम दिया है थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये जो है, ये टॉपिक है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ पे वी इन दिख रहा है। वी इन का मतलब क्या होता है, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ये इनपुट वोल्टेज हमको कहाँ से मिल रहा है या कहाँ से मिलेगा, तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या बताया था, कि ऐसा पावर सप्लाई जिसमें ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है और फिल्टर होता है, जिसमें वोल्टेज रेगुलेटर नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वी इन में यहाँ पे सर्किट क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर। ठीक है, यहाँ से मतलब अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई से हमको इनपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर वो इनपुट वोल्टेज देखो कहाँ दिखाया गया है, पास ट्रांजिस्टर। ये पास ट्रांजिस्टर हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ था, इसका पूरा नाम जो है वो है सीरीज पास ट्रांजिस्टर। ठीक है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, कि सारा का सारा लोड करंट जो होता है सर्किट का, वो यहाँ से पास होता है और इस वोल्टेज रेगुलेटर में इस पास ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी जो होती है वो होती है 1.5 एम्पियर से भी ज़्यादा लोड करंट हैंडल करने की। मैं ना 1.5 एम्पियर, मिली एम्पियर नहीं, एम्पियर से भी ज़्यादा करंट को हैंडल करने की होती है। इसके बाद नीचे देखो, थर्मल शटडाउन एंड करंट लिमिटिंग दिख रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये पास ट्रांजिस्टर जो होता है इसको हीट सिंक लगाना ज़रूरी होता है, ताकि एक्सेस पावर अगर डिसिपेट होता है तो उसको जो है वो डिसिपेट कर सके, उसको निकाल सके या उसको हटा सके। ठीक है, उसके बाद थर्मल शटडाउन दिख रहा है। अब थर्मल शटडाउन का मतलब देखो क्या होता है, कि अगर सर्किट में, अगर इंटरनल टेम्परेचर जो है सर्किट का, वो अगर 175 डिग्री के अबो हो गया, तो ये आईसी जो होती है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। दिस सिस्टम इज नोन एज थर्मल शटडाउन। समझ में आया क्या, इफ इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स मोर देन 175 डिग्री देन आईसी विल ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ, दिस टेक्निक इज नोन एज थर्मल शटडाउन। ठीक है, और करंट लिमिटिंग क्या होती है, ये करंट लिमिटिंग हमने इस कल के टॉपिक में ही पढ़ा हुआ था, कि अगर पॉजिटिव निगेटिव अटैच हो जाते हैं किसी रीजन से,
तो जो एक्सेस करंट बाहर निकलता है, ड्रेन होता है, उसको लिमिट करने के लिए उसकी वजह से सर्किट जो है, सर्किट के कंपोनेंट्स डैमेज नहीं होने चाहिए। इसलिए जो टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं पावर सप्लाई में, उसको हम करंट लिमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एम्पलीफायर दिख रहा है। अब एम्पलीफायर जो होते हैं उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जो एम्पलीफायर यूज़ किया गया है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिटेल में हम लोग फोर्थ लेसन में पढ़ने वाले हैं। लेसन का नाम ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसमें तुम लोगों के सारे कंसेप्ट जो है इसके बारे में क्लियर होंगे। अभी इस टॉपिक के लिए तुमको थोड़े से ही पॉइंट जो है वो याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, काफ़ी डिटेल में अपने को लेसन में दिया गया है। तो जब ये लेसन तुम लोग पढ़ोगे तो यही जो है इसके बारे में तुम्हारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा मैं बताती हूँ फिर भी। अभी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल और दो इनपुट, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल होता है। ट्रायंगल और उसको दो इनपुट, इसका मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को दो इनपुट होते हैं। एक को नाम दिया है निगेटिव, एक को नाम दिया है पॉजिटिव। निगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, पॉजिटिव को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। बराबर है? तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव को मतलब नॉन इन्वर्टिंग को वी रेफ करके दिखा लिखा हुआ है, मतलब ये रेफरेंस वोल्टेज है। ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज ये बाहर से हम लोग इसको मीटर से देंगे। और ये माइनस जो है, जिसको हम लोग इन्वर्टिंग इनपुट बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या लगाया गया है, ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाई गई है। अब यह दो रजिस्टर्स है, उसको नाम नहीं दिए गए हैं। तुम लोग R1 R2 भी लिख सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टिंग जो होता है, इन्वर्टिंग इनपुट से क्या दिया गया है, फीडबैक प्रोसेस लगाई गई है। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये फीडबैक प्रोसेस है? तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट लगाई गई है। ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट क्या करेंगी, तो आउटपुट का कुछ एक पार्ट लेके वापस ये इनपुट को जाएंगे इसके थ्रू, ये पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे इस आईसी में पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट जो होती है, उससे फीडबैक प्रोसेस लगाई गई है, फीडबैक कनेक्शन लगाया गया है, जो कि ऑपरेशन एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट को लगाया गया है। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, उसको क्या लगाया गया है, रेफरेंस वोल्टेज है, जो हम लोग बाहर से मीटर लगा के देंगे। बराबर है? तो ये हो गया पूरा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम IC 3 टर्मिनल IC वोल्टेज रेगुलेटर का। अब यहाँ सिंबल में देखो LM340-5 दिख रहा है। अब ये LM340 जो है, ये IC की सीरीज होती है। IC की सीरीज का मतलब क्या, तो ये जो IC है बेसिकली 3 टर्मिनल IC वोल्टेज रेगुलेटर, ये दो टाइप में आती है। एक आती है फिक्स्ड IC वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा आता है वेरिएबल IC वोल्टेज रेगुलेटर। जैसे देखो दो टाइप में आती है ये, एक होती है फिक्स्ड वोल्टेज IC रेगुलेटर और फिक्स्ड वोल्टेज IC रेगुलेटर और दूसरी होती है वेरिएबल IC वोल्टेज रेगुलेटर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, कि अगर कोई सर्किट में हमको, कोई पावर सप्लाई में हमको सिर्फ 5 वोल्ट जो है, 5 ही वोल्ट की IC चाहिए वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए फिक्स्ड, ठीक है, तो ऐसे सर्किट में हम लोग फिक्स्ड वोल्टेज IC रेगुलेटर लगाएंगे। और ऐसा कोई सर्किट है जिसमें, या ऐसा कोई पावर सप्लाई है जिसमें हमको 1 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक पूरी रेंज चाहिए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5, ऐसे अलग अलग रेंज में अपने को रीडिंग्स चाहिए, अलग अलग वोल्टेज पे अपने को आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट करना है, तो ऐसे सर्किट में हम लोग क्या लगाएंगे, वेरिएबल IC वोल्टेज रेगुलेटर, जिसमें हम लोग IC जो होती है उसका वोल्टेज, उसमें जितनी रेंज देखे है उसके मिनिमम से लेके मैक्सिमम रेंज तक हम लोग वेरी कर सकते हैं। बराबर है? तो ये जो हम लोगों ने अभी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पढ़े, ये फिक्स्ड IC वोल्टेज रेगुलेटर का है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल में देखो LM340-5 लिखा है। तो LM340 जो है ये IC की सीरीज है। बराबर है? और ये डैश फाइव मतलब ये IC जो है 5 वोल्ट जो है वोल्टेज को, 5 वोल्ट तक का वोल्टेज जो है रेगुलेट करेंगे। मतलब कोई पावर सप्लाई में हमको 5 वोल्ट रेगुलेट करना है तो हम लोग ये लगाएंगे। अगर तुमको 10 वोल्ट रेगुलेट करना है सर्किट में, तो तुम कौन सी IC लगाओगे, LM340-10। तो ये डैश के बाद जो नंबर रहता है वो IC की कैपेसिटी दिखाता है, कि कितना वोल्ट वो IC वोल्टेज को रेगुलेट कर सकती है। बराबर है? अब यहाँ देखो फिक्स्ड IC वोल्टेज रेगुलेटर में देखो, ये डायग्राम में LM340-5 लिखा है। बराबर है? तो ये डैश फाइव, इसका मतलब यहाँ पे कौन सी IC लगाई गई है, ये 5 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करने के लिए लगाई गई है। इसके 3 इनपुट देखो, 1, 2 और 3। 1 में क्या लगाया गया जाता है, इनपुट लगाया जाता है, 2 से आउटपुट मिलता है, और 3 क्या किया गया है, ग्राउंड किया गया है। ये उसका एक और एक डायग्राम है। ठीक है, फिक्स वोल्टेज का। वैसे ही वेरिएबल वोल्टेज के लिए देखो, वेरिएबल वोल्टेज में क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे जो है शॉर्ट
डायग्राम बनाई है यहाँ पे, वही डायग्राम जो है कंप्लीट दिखाई गई है। अब कंप्लीट का मतलब क्या है, पूरा पावर सप्लाई जो हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़े थे यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाया गया है। मतलब क्या, देखो पहले एसी इनपुट दिख रहा है 230 लगेगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर दिख रहा है ये यहाँ से लेके रेक्टिफायर को देगा वोल्टेज, यहाँ ब्रिज और रेक्टिफायर लगाया गया है ये इसका वोल्टेज जो है डीसी में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद कैपेसिटर लगाया गया है जो फिल्टर करेगा, LM317 सीरीज लगाई गई है ये क्या है, ये वोल्टेज रेगुलेटर है। अब देखो LM340 जो है ये फिक्स्ड आईसी वोल्टेज रेगुलेटर क्या है आईसी है, और LM317 जो है ये कौन सी आईसी है, वेरिएबल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर है, बराबर है। ये तुमको थोड़ा सा याद रखना है कि LM317 मतलब वेरिएबल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर, और LM340 का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर की सीरीज होती है। तो यहाँ पे ये पूरा डायग्राम जो है ये पावर सप्लाई का ही डायग्राम है, ये एसी इनपुट, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, उसके बाद ये फिल्टर और ये वोल्टेज रेगुलेटर। अब देखो यहाँ पे ये R1 R2 लगाया गया है, ये देखो वेरिएबल रेजिस्टर दिख रहा है, बराबर है। तो ये जो है यहाँ पे ये इसके आईसी के तीसरे इनपुट को जो है, तीसरा और दूसरा जो है यहाँ पे जो रजिस्टर लगाया गया है यहाँ पे, ये वेरिएबल रजिस्टर लगाया जाता है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब पोटेंशियोमीटर जिसका एग्जांपल, वहाँ उस वो घुमा के हम लोग जो है उसको वोल्टेज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हो गई वेरिएबल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर की, और ये हो गई फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर की, बराबर है। ऐसे आईसी के जो है ये दो टाइप आते हैं। अब पहला जो था ये क्या पढ़े हम लोगों ने, ये फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पढ़े। ये तीनों टॉपिक में से एग्जाम के लिए ये जो है फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, एक बार रिवाइज कर देती हूँ तुम लोगों को। पास ट्रांजिस्टर मतलब क्या है, सीरीज पास ट्रांजिस्टर जो क्या करता है, सर्किट का पूरा लोड करंट जो है वो हैंडल करता है, और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है 1.5 एम्पियर तक से ज़्यादा लोड करंट को हैंडल करने की। थर्मल शटडाउन का मतलब क्या बताया, कि इफ इंटरनल टेम्परेचर बिकम्स मोर देन 170 डिग्री सेल्सियस देन आईसी ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ, ठीक है, इसको बोलते हैं थर्मल शटडाउन। ये कौन सा एम्पलीफायर है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसके इन्वर्टिंग इनपुट से फीडबैक प्रोसेस लगाते हैं, और रेफरेंस वोल्टेज जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है। ये इसका सिंबल है, ये जो है पूरा डायग्राम फिक्स्ड आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का है, जिसकी सीरीज क्या होती है LM340 होती है, बराबर है। ये आईसी वोल्टेज रेगुलेटर जो है दो टाइप में आता है, फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर, वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर। फिक्स्ड वोल्टेज मतलब वो ऐसी फिक्स्ड वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करेंगी, जैसे LM340-5 एग्जांपल के लिए, मतलब इसका मतलब ये आईसी सिर्फ 5 वोल्ट तक का ही वोल्टेज जो है वो रेगुलेट करेंगी। और वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेगुलेटर में क्या होता है, उसको जितना जितना वोल्टेज देके रहता है वो उसके मिनिमम से लेके मैक्सिमम कैपेसिटी तक वो जो है वोल्टेज को रेगुलेट करता है, बराबर है। तो ये हो गया आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का टॉपिक ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज वोल्टेज रेगुलेटर का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। वोल्टेज रेगुलेटर मतलब क्या, जो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है अगर लोअर करंट चेंज होता है तो भी, और या फिर इनपुट वोल्टेज चेंज होता है तो भी। इसके तीन टाइप पढ़े हम लोगों ने, जिनर वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर, और अभी आज कौन सा पढ़े हम लोगों ने, थ्री टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। तो जहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और इसके साथ साथ पावर सप्लाई जो हम लोग तब से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट डे से लेसन शुरू हुआ तब से, उसमें इसके सारे टॉपिक जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, जैसे ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, वोल्टेज रेगुलेटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो ये जो हमने कंप्लीट पावर सप्लाई पढ़े अभी तक, जिसको हमने सीरीज, हम लोग सीरीज रेगुलेटर बोलते हैं, सीरीज पावर सप्लाई बोलते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स निकालने के लिए और कोई पावर सप्लाई आया है क्या, तो ये जो इस टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।